और सामने से और इसको नगर निगम ने जो है कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। आप देख रहे होंगे सीट लगी हुई है, बनवाया गया था, अब जो है इसको कूड़ेदान में जो है वो नगर निगम ने बदल दिया है। एक जो है हैंड पाइप लगा दिया गया, जबकि यहाँ कौन पानी पीने इस कूड़ेदान में आएगा। महामारी फैल रही है, बीमारियाँ फैली हुई हैं, उसके बाद भी नगर निगम का क्या हाल है। आप भी जाओ ले लियो, नगर निगम को भेजा, नगर निगम को भिक्षा दो, नगर निगम के लिए भिक्षा दीजिए। नगर निगम कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। नगर निगम अयोध्या बता रहा है पैसा नहीं, भिक्षा दिए भैया। नगर निगम को भिक्षा दो, देश के प्रधानमंत्री, नगर निगम को भिक्षा दो। देखिए कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में एक वार्ड है रामप्रसाद बिस्मिल, उस वार्ड के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस देश के गौरव हैं, इस देश के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके नाम पर बने पार्क को इस नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के चलते वो पार्क एक कूड़ा घर बन गया है, वहाँ कूड़े जमा हो रहे थे। पिछले 18 महीने से हमारे मित्र, हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भाई आरिफ आब्दी जी के नेतृत्व में पिछले 18 महीने संघर्ष हम लोग उस पार्क की सफाई के लिए कर रहे हैं, उस जीर्णोद्धार की हम मांग कर रहे हैं। 18 महीने से लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठा हुआ है। एक और जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अरबों रुपए फूंक कर स्टेडियम बनाया जा रहा है, वहां पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम पर एक पार्क जिसको कूड़ा घर बना दिया गया है। आज जब नगर निगम ने लगातार ये जवाब दे रहा है कि उनके पास पैसे ही नहीं है, जो नगर निगम लगातार उस फैजाबाद के अंदर जिसको अयोध्या फॉर सेल कर दिया है, तमाम जगह पर करोड़ों रुपयों की बर्बादी कर रहा है, आज वहीं पर एक पार्क की जीर्णोद्धार की जब बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, उस पार्क के उनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए हम सब ने एक वैचारिक रूप से उनका विरोध करने के लिए, एक प्रदर्शन करने के लिए आज हम चौक में निकले हैं। और जो हमारी आम आवाम है अयोध्या जनपद की, जिससे करोड़ों रुपया टैक्स वसूल कर रही है नगर निगम, उस जनता से हम मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो पार्क बना है उसकी स्थिति क्या है, और उनके सम्मान के लिए उनसे हम जो है भीख मांग रहे हैं, एक एक रुपया जमा कर रहे हैं, और जो यह भीख यहाँ पर मिलेगी, चूँकि नगर निगम नकारा है, वो कह रहा पैसा नहीं है, तो जो पैसा इकट्ठा होगा पैसा उनको जाकर देने का काम करेंगे।